मैं बता रहा हूँ मैं जुबान क्यों खोल पा रहा हूँ। ये कलम गुलाम नहीं है, इसके जुबान खोल पा रहा हूँ। चैलेंज कर रहा हूँ, खरीद के दिखाओ आप राजस्थान। ये कलम खरीद के दिखाओ, कोई खरीद नहीं पाया इस कलम को, इसलिए पूछता हूँ सवाल। चर्चा की शुरुआत करूं और इस चर्चा की शुरुआत में कुछ तस्वीरों के साथ करना चाह रहा हूं, कुछ तस्वीरों के साथ चुनाव को समेटे हुए है, जो बताती है कि युवाओं की पीड़ा क्या है। यह महज आंसू भर नहीं है, यह दर्द है। अब मैं एक बयान सुनाऊंगा, इस प्लीज बयान को जरा ध्यान से समझिएगा और उस पीड़ा को सिर्फ महसूस करिएगा जो इस वक्त युवा झेल रहे हैं। प्लीज, गलत है कि नहीं, इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है, है कि नहीं गलत? ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? तस्वीरें मैंने दिखाई थी, इसके पीछे एक वजह थी। नहीं, आप तस्वीरें वो भी शामिल कर लेते जहां जब सैफई से लिस्ट जारी हो जाती है और छात्र सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेते हैं, इन बच्चियों के तो आंसू पोंछ लेंगे। ये तो अभी अगले महीने एग्जाम दे देंगे। संदीप, नहीं देखिए, एक तरफा दिखाएंगे। 100-100 किलोमीटर दूर चलकर वक्त बर्बाद कर पैसे की बर्बादी, समझ रहे हैं आप? और सौदा हो जाए नहीं, और यही छात्र अगर चार स्टेप चलने के बाद फिर अगर यही प्रक्रिया अपनाई गई होती तो इन्हें कितनी निराशा लगी होती। सवाल लिए, आपको अफसोस है इन तस्वीरों को देखने के बाद? नहीं देखिए, अफसोस करने के लिए तो हमें सबसे ज्यादा अफसोस तब हुआ था जब बच्चों ने सिर्फ इसलिए सुसाइड किया था कि वो मेरिट में आने के लायक थे, एलिजिबल अच्छा, थे, लेकिन लिस्ट सैफई से बन के गई थी, आपको लिस्ट रामपुर से बन के गई थी, तब आपको दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन हमें तब भी दुख हुआ और आज भी हमें दुख हुआ। आपको सैफई जवाब देना है, मैं समझ गया। अब मेरा एक सवाल और आपसे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत चिंतित इस बात को लेकर हूं, ये पेपर लीक होता है या फिर किया जाता है? चार साल में आधा दर्जन ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जहां परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, ये रोकी क्यों नहीं जाती? इसका एक आधार मैं आपको दे रहा हूं। मार्च 2017 पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पेपर लीक। फरवरी 2018 पावर कॉरपोरेशन जई परीक्षा, पेपर लीक। अप्रैल 2018 यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस, गलत पर्चा बटा, परीक्षा रद्द। 15 जुलाई 2018 अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा, पेपर लीक। यानी कुल मिलाकर 9 बड़ी परीक्षाएं कराने में सरकार फेल हो जाती है। 2 साल बाद जिस टीईटी की परीक्षा होनी थी उसमें भी ये गड़बड़ी आती है। तभी मैंने कहा कि क्या इन सब परीक्षाओं के रद्द होने के बाद, पेपर लीक होने के बाद, इससे मान बढ़ता है आपका? मैंने इसलिए पूछा था संदीप द्विवेदी, अभी आंकड़े और है मेरे पास, प्लीज। देखिए, आपने मैंने गलत सही कहा, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार का मान नहीं बढ़ता। यूपी सरकार ने फिर भी पिछले लगभग 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव किया और पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा नियुक्तियां 100% ईमानदारी के साथ को एक और खबर आई, मैं आगे पढ़ देता हूं, 29 नवंबर को एक खबर आई, दरोगा भर्ती पर्चा लीक, बीच परीक्षा से उठाया गया, कॉपियां छीन ली गई, हंगामा हुआ, सरकार पर तोहमत मड़ी। अब सवाल यह कि नलकूप ऑपरेटर भर्ती सितंबर 2018 एसटीएफ ने 11 गिरफ्तारी की, 4 साल में 6 बार परीक्षा रद्द हुई, 41,000 सिपाही भर्तियों का पेपर आउट हुआ, ये सब गरिमा बढ़ाते हैं। अब आगे सुनिए, तारीख 17 जून 2016 यूपी सरकार ने दरोगा फायर फाइटिंग अधिकारी के लिए 3,307 पदों की भर्ती निकाली। जुलाई 2017 में एग्जाम होना था, पेपर लीक हुआ, एग्जाम रद्द हुआ। इसी साल फिर से एग्जाम हुआ, रिजल्ट आने में 2 साल का वक्त लग गया, आखिर में रिजल्ट भी रद्द हो गया। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग ने भर्ती होनी थी, एग्जाम को रद्द कर दिया। 2018 में यूपीपीएससी की हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पेपर एग्जाम में एक दिन पहले लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। इसी साल यूपीसीएल पर्चा लीक हुआ, 12 लोग गिरफ्तार हुए। सितंबर 2018 में अधीनस्थ चयन आयोग ने नलकूप की जो भर्ती निकाली, पर्चा लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 3210 पद थे, 2 लाख आवेदन आए थे इसके। मार्च 2021 में ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2 साल बाद रद्द कर दी गई। परीक्षा के रिजल्ट के लिए 2 साल तक इंतजार किया मगर कुछ नहीं हुआ। यह पहली बार नहीं है संदीप द्विवेदी, मैंने इसलिए ये आंकड़े पढ़े। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था, आंकड़ा है आपके पास?
अच्छा कितनों को नियुक्ति पत्र मिला? नहीं नहीं मैं आप नहीं सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये आंकड़े ये पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं? ये पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं? आपकी सरकार में पर्चे लीक हो रहे हैं, उपलब्धि है आपकी? पेपर लीक हो रहे हैं, उपलब्धि है आपकी? पिछली बार कितनी पेपर लीक हुए, ये उपलब्धि है आपकी? कितनी कोर्ट ने वैकेंसी रद्द की? पिछली बार अगर हुआ तो आपको तभी तो मौका मिला। देखिए हमें तो फिर से जनता मौका, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, तो फिर जनता मौका, तो फिर क्या? क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं। अच्छा आप ये कह रहे हैं जुबान खोल पा रहा हूँ इसलिए आपकी सरकार ईमानदार है। मैं बता रहा हूँ मैं जुबान क्यों खोल पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं जुबान क्यों खोल पा रहा हूँ। ये कलम गुलाम नहीं है इसलिए जुबान खोल पा रहा हूँ। चैलेंज कर रहा हूँ, खरीद के दिखाओ ये चैनल। मैं कह रहा हूँ खरीद के दिखाओ ये कलम, आप राजस्थान ये कलम खरीद के दिखाओ। कोई खरीद नहीं पाया इस कलम को, इसलिए पूछता हूँ सवाल। सरकार आपकी है, हिम्मत है तभी सवाल पूछ रहा हूँ, हिम्मत है तभी सवाल पूछ रहा हूँ। इंद्र यादव गुस्सा मत होइए, पुष्पेंद्र यादव ये और जिन छात्रों को लाखों छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ या फिर नहीं, अफसोस नहीं है आपको? कोई बात नहीं, अन्याय हुआ कि नहीं? देखिए मैं फिर आपको एक चीज बता दूं कि अफसोस कहीं ना कहीं सरकार ने बेहतरीन प्रयास किया है, बेहतरीन अफसोस यहाँ है कि सरकार को भी दुख होता है कि जब सरकार को पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं दोबारा से क्रिएट करना पड़ता है, पूरी एक्सरसाइज दोबारा से करनी पड़ती है। वरुण गांधी का ट्वीट है, प्लीज इसे प्ले करिए। वरुण गांधी कह रहे हैं कि परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। संदीप द्विवेदी आगे बोलते हैं कि इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से कम काम नहीं चलने वाला, उनके राजनीतिक संरक्षण शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी? ये आप ही के हैं सांसद, प्लीज संदीप द्विवेदी जी। मैं बता रहा हूं सरकार की खासियत है कि अपना व्यक्ति भी आवाज उठा ले रहा है, वरना पिछली सरकार में तो जो उठाता था वो बिल्डोजर के नीचे या ट्रक के नीचे आ जाता था। आप मानते हैं वो कह रहे हैं कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई हुई है? नहीं देखिए अब बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी कि आजम खान छोटी मछली थे, शिक्षा माफिया थे कि नहीं थे, शिक्षा माफिया थे कि नहीं थे, आप बताइए। अब देखिए जिनके नाम है, नाम अनुराग, धर्मेंद्र, मनीष, रवि, रोशन, महेश, रमेश, संदीप, ये तमाम ऐसे नाम है। अब ये इनमें से तो ये सारे संदीप द्विवेदी राष्ट्रद्रोही हैं, प्लीज संदीप द्विवेदी को लाइए, ये सारे राष्ट्रद्रोही हैं कि नहीं? देखिए राष्ट्रद्रोही है नहीं है आपका निर्णय है, लेकिन नहीं मेरा निर्णय नहीं है, ये आपने तस्वीरें जारी की है, मैं पूछ रहा हूं ये राष्ट्रद्रोही है कि नहीं? देखिए राष्ट्रद्रोही है या नहीं है वो आप डिसाइड करिए। एक मिश्रा जी प्लीज एक सेकंड, ये राष्ट्रद्रोही जरूर है, इन छात्रों के साथ जरूर उन्होंने द्रोह किया है। अच्छा ये राष्ट्रद्रोही नहीं है, अगर इनमें से अमीर सलीम होता तो फिर राष्ट्रद्रोही होता है? नहीं तो वो पेपर थोड़ी लीक करता, वो छोटे छोटे टुकड़ों में काटता, सूटकेस में बंद करता और कहीं दफन कर देता। आप इतनी छोटी उम्मीद क्यों करते हैं? ओके ओके ओके, आप समझ में आया?